हेलो एवरी वन माइ ने एस वर्धान कर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माइग्रेट बीन सो भाई माइग्रेट बीस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आसकर एनी थिंग यू कैन के आसकर सीबीएसई बोर्ड यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड ये के आसकर एनसीआर टी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट पर फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट येस यू हर्ड दैट वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं की बात कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस राइट तो कहीं आज क्या सीखने वाले हैं हम तो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन दैट इज नॉट नल कॉलम कंस्ट्रेंट ठीक है सो नॉट नल कॉलम कंस्ट्रेंट हम सीखने वाले हैं मतलब अगर इससे पहले आप देखो तो हम टेबल ऑल्टर कर रहे थे टेबल अल्टरेशन का ही पार्ट है ये ठीक है टेबल ऑल्टर कर रहे थे बट जब हमने कंस्टेंट ऐड किया था तब हमने ये देखा था कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स में not null या unique constraint नहीं डाल पा रहे अब unique constraint तो हम देख चुके हैं इस वीडियो में हम देखने वाले नोट नल कंस्ट्रेंट कि किस तरीके से हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में हम नोट नल कंस्ट्रेंट डालने का काम कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे हम नोट नल कंस्ट्रेंट को कवर करेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से नोट नल कंस्ट्रेंट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में डाल सकते हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स में नोट नल कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं भाई कैसे डालते हैं तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीआर का नाइन्थ चैप्टर चल रहा है विच इज एस स्ट्रक्चर्ड एल लैंग्वेज जिसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू पुट नॉट नल कंस्टेंट्स टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेप ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं सो वी कैन

ठीक है इसके बाद आपको मॉडिफाई जो अगेन एक की है मॉडिफाई जो अगेन एक कीवर्ड है फिर डालना है कॉलम का नाम जिस भी कॉलम में या जो भी कॉलम है जिसको आप नल बनाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम डालना है नल फिर आपको डालना है उसका डेटा टाइप और फिर साइज एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे आप एक्चुअली में कॉलम को फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं है ना कॉलम को रीडिफाइन करने का काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली डेटा टाइप और साइज पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो उस कॉलम का एग्जिस्ट करता है ठीक है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसका क्या, क्या साइज आपको रखना है और इसके बाद आपको लिख देना है नॉट नल तो इससे क्या होगा इससे आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें नॉट नल कंस्टेंट एड हो जाएगा ठीक है अब बट जब ये आप यूज़ करोगे टू जो भी हम भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अब वो पॉइंट्स के जरा वो समझ लेते हैं सो पॉइंट्स टू नोट व्हेन सॉरी वी कैन इंसर्ट नॉट एनल कंस्टेंट टू एनी कॉलम ऑफ एन ऑलरेडी एक्सिस्टिंग टेबल इफ देर आर नो एंट्रीज इन द टेबल ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप कभी भी आंख बंद करके किसी भी टेबल के कॉलम में नॉट नल कंस्टेंट डाल सकते हैं बट कंडीशन क्या है कि टेबल एम होनी चाहिए टेबल में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए टेबल अगर कोई भी रो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप आंख बंद करके कभी भी किसी भी कॉलम में नॉट नल कंस्टेंट डाल सकते हैं बट अगर उसमें डेटा आ जाए फिर क्या तो फिर पॉइंट देखिए है ना वी कैन नॉट एड नॉट नल टू अ कॉलम ऑफ अ टेबल विच ऑलरेडी हैज नल वैल्यूज अब एक टेबल में जिसमें कॉलम्स हैं जिसमें ऑलरेडी सॉरी नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उसमें आप नॉट नल कंस्टेंट नहीं डाल सकते तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने के लिए यार आप पूछो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है चलो ऐसा है कि एक टेबल है जिसमें सारे जितने भी कॉलम्स हैं जिसमें सब में नल है सपोज इसमें भी नल है है ना इसमें भी नल है किसी ना किसी पॉइंट पे नल है सपोज कहीं पर भी हो सकता है ठीक है यहां पर भी कहीं पर भी हो सकता है तो कहीं पर भी नल है सपोज तो आप इस टेबल के किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं डाल सकते ये तो सेकंड पॉइंट क्लियरली स्टेट कर ही रहा है कि अगर नल वैल्यू है किसी भी कॉलम में तो आप उसमें नॉट नल कंस्टेंट नहीं डाल सकते सिंपल सी बात है आप डाल नॉट नल और नल एंट्री है वो भरेगा क्या उसमें सही है बट वॉट अबाउट अगर मैं कहूं कि सपोज इस कॉलम में नल नहीं है बाकी अगल बगल दोनों कॉलम्स में नल है तो क्या मैं इस पर्टिकुलर कॉलम में नॉट नल कॉन्स्टेंट नहीं डाल सकता इस कॉलम में तो आंसर इज यस यार आप इसमें नॉट नल कंस्टेंट डाल सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलम में आप नॉट नल कंस्टेंट डाल सकते हो ऑल ये फर्स्ट में और लास्ट वाले में नहीं डाल सकते नॉट नल कॉन्स्टेंट बट बीच वाले में आप नॉट नल कॉन्स्टेंट परफेक्टली डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है तो बीच वाले में डाल सकते हो पहले और लास्ट में नहीं डाल सकते नॉट नल कंस्टेंट क्लियर तो सिचुएशन क्या है ऑल दो वी कैन ऑलवेज इंसर्ट नॉट नल कंस्टेंट्स टू कॉलम्स ऑफ अ टेबल विच हैज डेटा बट नो नो नल वैल्यूज ठीक है तो आप उन डेफिनेटली कॉलम्स में नॉट नल कंस्टेंट डाल सकते हो जिसमें आपका नल वैल्यू नहीं है डेटा है बट नल वैल्यू नहीं उसमें आप हमेशा डाल सकते हो बट आप उन कॉलम्स में नहीं डाल सकते जिसमें नल वैल्यूज इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है ठीक है ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा चिंता करने की कोई जरूरत है तो फटाफट -फड़ चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आपकी नल वैल्यूज डाल सकते हैं ठीक है चलिए ओके गाइस सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो एक कंस्टेंट हमने छोड़ दिया था ना नॉटनल वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे हम नॉटनल कंस्टेंट डाल सकते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एक टेबल में सपोज एक कॉलम है जिसमें कंस्टेंट है ही नहीं नॉटनल या एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें ये वैसे यही चीज़ तो हो गई तो जिसमें नल है ही नहीं तो उस पर कंस्टेंट कैसे डाल सकते हैं तो वो हम सीखेंगे ठीक है मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता था कि अगर यूनिक ट है किसी के कि में तो उसमें नॉटमल कैसे डाल सकता है तो दैट इज वॉट वी वुड बी सीन ठीक है चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं तो यहाँ चलेंगे सर्विसेज में सर्विसेज ओपन कर लेंगे यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वर्क बेंच है ना सॉरी नहीं नॉट वर्क बेंच माई सीकुल सर्च करूंगा इसको कनेक्ट कर लूँगा तो मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया लेट इट स्टार्ट ये स्टार्ट हो गया है सर्च करेंगे वर्क बेंच सर्च करेंगे वर्क बेंच पर क्लिक करेंगे तो मेरा वर्क बेंच ओपन हो जाएगा लेट इट ओपन लोकल इंस्टेंट से कनेक्ट करेंगे पासवर्ड डालेंगे और ये आपका लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट होगा बेसिकली यहाँ ऑलरेडी एक टेबल एग्जिस्ट करता है बट मैं इसको डिलीट कर दूंगा आपके सामने मैं एक नया पूरा स्कीमा ही बनाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि टेबल में क्या एग्जिस्ट करता है अब यहाँ मैं क्या करूँगा सबसे पहले क्रिएट करूँगा डेटा बेस मैगनेट अंडरस्कोर ब्रेन्स और मैगनी क्यों हो गया ये मैगनेट है मैगनेट अंडरस्कोर ब्रेन्स फिर मैं यूज़ भी कर लूँगा मैगनेट अंडरस्कोर ब्रेन्स को है ना और फिर मैं इसके अंदर क्रिएट कर दूंगा टेबल क्रिएट टेबल है ना और क्रिएट टेबल का नाम होने क्या वाला है टी बी वन होने वाला है टेबल का नाम होने वाला है टी बी वन अब मैं पैरंथेसिस ओपन कर दूंगा इसके अंदर ठीक है तो क्रिएट टेबल टी बी वन हो गया मेरा अब बेसिकली मैं यहाँ पे जो डालने वाला हूँ वो ये डालने वाला हूँ टी बी वन में ओके सो टी बी वन में मैं डालने वाला हूँ कॉलम वन सो कॉल वन इज इक्वल्स टू एंड है ना और यहाँ पे मैं कोई कंस्टेंट नहीं डालूंगा फिलहाल फिर मैं आऊँगा कॉल टू और इसमें मैं डाल दूँगा यूनिक ठीक है यूनिक और बस यही रहेगा सिचुएशन है ना अच्छा मैंने इसमें डेटा टाइप तो डाला ही नहीं सपोज़ मैं डाल देता हूँ वैर कैर ठीक है सपोज़ वेर कैर डाल, डाल दो और इसमें मैं वर्ड लिमिट डाल दूँगा सपोज़ वाइन ठीक है तो ये मेरा आपका मतलब टेबल क्रिएट हो जाएगा इसमें ठीक है अब अगर अब यहाँ पे नोटिस करो तो एंट में नॉट नल नहीं एग्जिस्ट करता है इसमें यूनिक एग्जिस्ट करता है दोनों में हम नॉट नल कॉन्सटेंट डालना सीखेंगे किस तरीके से डाल सकते हैं तो फिलहाल इसको मैंने रन किया तो ये परफेक्टली रन हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं आई अब मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ इसमें अब मैं क्या चाहता हूँ कि आ, मैं आ, अगर सपोज इसमें नल वैल्यू छोड़ दूं तो वो अलाउड नहीं होनी चाहिए मतलब नॉट नल कॉन्सटेंट होना चाहिए नल वैल्यूज अलाउड नहीं होना चाहिए जैसे अगर मैं अभी आपको इसमें इंसर्ट करके दिखाऊं तो इंसर्ट इनटू टू टी बी वन वैल्यूज वैल्यूज और मैं क्या इंसर्ट करने वाला हूँ तो इंसर्ट में करने वाला हूँ उसमें वन का मो सपोज ए बी सी है ना इसको क्लोज कर दिया और जब मैं इसको रन करूंगा देन सी वॉट विल हैपन जब मैं इसको रन करूंगा तो परफेक्टली इंसर्ट हो गई वैल्यूज राइट तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा टेबल के लिए भी रिफ्रेश नहीं किया मैंने इवन चलो कोई बात टेबल पर चल के रन करूंगा तो मेरा टेबल आ गया देखो कॉलम वन में वन कॉलम टू में ए बी सी अब मैं एक काम क्या करूंगा फिर इसमें फिर से वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा एक और मैं यहाँ डाल दूंगा नल है ना नल और ये ए बी सी के बजाय ए बी डी हो जाएगा सपोज है ना जब मैं इसको रन करूँगा so, करूंगा मैं इसको रन करूंगा तो वन आ गया ए बी सी हो गया और यहाँ पे अगर आप देखो तो नल आ गया है ओके वेरी वेरी गुड एक काम मैं करता हूँ कि मैं इसको फिर से रन करूँगा यहाँ डालूंगा टू और यहाँ मैं डालूंगा बी एस सी ठीक है और इसको जो मैं रन करूँगा ओके okay, मुझे एक्चुअली बी एस सी नहीं डालना मुझे यहाँ नल डालना है सॉरी ठीक है मुझे यहाँ क्या कर करना है नल डालना है तो जब मैं इसको रन करूंगा देन सी वट विल हैपन सॉरी ओके जब मैं इसको एक्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका नल गए जाँ पर भी नल है यहाँ पर भी सॉरी बट हाफ अच्छा दो बार एग्जीक्यूट कर दें मैंने ओके दैट इज द रीजन ठीक है तो मैंने दो बार एग्जीक्यूट कर दिया तो इस बस यहाँ पे क्या आ गया नल आ गया यहाँ पे नल आ गया अब नल में डुप्लीकेट्स की सिचुएशन ही नहीं होती तो यूनिक जो मैंने डाला है नल के में वो फॉलो ही नहीं होता ठीक है अब मैं बेसिकली क्या करूँगा दोनों को नल डाल दूंगा मैं एक बार ठीक है तो ये आपका हो गया नल ठीक है अब जब मैं इसको रन करूँगा दिन सी वर्ट विल हैपन तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट रिफ्रेश करके एग्जीक्यूट करूँगा तो दोनों में नल null नल मतलब अगर अभी मैं कहूँ जो अभी मैंने डेफिनेशन बनाई है उस हिसाब से नल वैल्यूज़ अलाउड है अब बेसिकली मैं करने ये वाला हूँ कि मैं इस वाले जो अपना इंस्टेंस है इसको करने वाला हूँ ड्रॉप ठीक है इसको करने वाला हूँ मैं ड्रॉप और मैं ये टेबल फिर से बनाने वाला हूँ ठीक है क्योंकि मैं आपको अब ये जो नॉट नल कंस्टेंट है ये डालना सिखाऊंगा जब वैल्यूज़ है ही नहीं उसके अंदर ठीक है तो बेसिकली जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब देखिए अगर आप टेबल में जाके देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एम है मतलब फिर से आपने पूरा बना दिया बस मैंने वैल्यूज इंसर्ट नहीं करी पहले मैंने आपको वैल्यूज इंसर्ट करके दिखा था कि यहाँ पे नल वैल्यूज जा सकते हैं अब मैं क्या करूँगा बेसिकली मैं इसमें कंस्टेंट डालने वाला हूँ तो कंस्टेंट मैं अब कैसे डालूंगा ये दिखाइए दिखाता हूँ मैं आपको तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा ऑल्टर टेबल और टी बी वन मतलब टेबल का नाम जिस भी टेबल को ऑल्टर करना है उसके बाद आपको डालना पड़ेगा मॉडिफाई सो मॉडिफाई और जिस भी कॉलम को मॉडिफाई करना है उसका नाम डालना पड़ेगा सो so, मॉडिफाई मैं किसको करना चाहूँ मैं कॉलम वन को करना चाहूँगा तो मॉडिफाई कॉलम वन है ना और मैं यहाँ पे डालना चाह नॉट इन नल का तो मैं यहाँ डाल दूँगा नॉट नल ठीक है दैट्स ऑल बट हाँ मुझे ये डिफाइन करने से पहले कॉलम वन पूरा फिर से डिफाइन करना पड़ेगा मतलब इसका टाइप साइज वो सब डालना पड़ेगा तो मैं यहाँ डाल दूंगा एंड और जब मैं इसको अब वैसे रन करूंगा तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा अब देखिएगा अब अगर मैं अगर आपसे आपसे ये कहूँ कि अगर मैं अभी यहाँ पे डिस्क्राइब रन करूँ मतलब डी ई एस सी करूँ डिस्क्राइब करूँ टी बी वन को तो सी वट विल बी द सिचुएशन जब मैं डिस्क्राइब रन करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉलम वन में नल वैल्यूज अलाउड हैं कॉलम टू में भी नल वैल्यूज अलाउड हैं यस यस लिखा हुआ है नल वैल्यूज अलाउड है बट जैसे ही मैं इसको रन करने वाला हूँ जैसी मैं इसको रन करने वाला हूँ तो देन सिचुएशन क्या हो जाएगी देखिएगा ठीक है अब मैं डिस्क्राइब फिर से रन करूंगा टेबल वन में तो सी वट विल हैपन तो मेरे पास क्या आ गया कि कॉलम वन में नल वैल्यूज अलाउड नहीं है बट कॉलम टू में नल हो सकता है यस yes. मतलब अब आप देखो आपका क्या बन गया है कॉलम वन क्या बन चुका है कॉलम वन आपका बन चुका है नल ठीक है कॉलम वन क्या सही कॉलम वन क्या बन चुका कॉलम वन बन चुका नॉट नल कंस्टेंट वाला मतलब इसमें नल वैल्यूज अलाउड नहीं है अगर आप इसमें नल वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर जनरेट होकर मिल जाएगा ठीक है क्लियर ये चीज तो बेसिकली सीन क्या है कि आप इसमें नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते कि इसमें जब आपने एक बार एक कंस्टेंट डाल दिया है तो है ना अब इसी तरीके से मैं सेकेंड उसमें भी कंस्टेंट डाल सकता हूँ कैसे ठीक है तो वो देखेंगे तो वही चीज मैं फिर से कर सकता हूँ ऑल्टर टेबल ठीक है टी बी वन ठीक है और यहां पे वही मॉडिफाई डालूंगा मॉडिफाई ठीक है कॉल टू और ये होगा वेर केयर ट्वेंटी और यहां मैं डालूंगा नॉट न ठीक है नॉट नल अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मैंने क्या किया कि पूरा डेफिनेशन फिर से बनाइए ट्वेंटी वगैरह पूरी डेफिनेशन फिर से बनाइए ठीक है और यूनिक तो था ही तो यूनिक भी आपको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा नॉट नल एंड यूनिक ठीक है पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें दिक्कत आ गई ओके वट इज दिचुएशन डुप्लीकेट इंडेक्स कॉलम टू कॉल टू डिफाइंड ऑन द टेबल मार्गनेट ब्रेन टेबल वन

ओके सो आई होप य चीज क्लियर हुई होगी कि, कि आपने टेबल डिफाइन कर लिया अब जरा मैं इसको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ टेबल को है ना टी को फिर से डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा मैं तो देखिए क्या है दोनों ही आपके क्या हो चुके हैं नॉट नल है ये क्या है दोनों ही नॉट नल है और कॉलम टू क्या बन चुका है प्राइमरी की बन चुका है क्यों बन चुका है प्राइमरी की क्योंकि भाई ये यूनिक भी है और नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं है इसमें ठीक है नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं है और यूनिक भी है तो प्राइमरी की बन चुका है तो इसलिए प्राइमरी की है ठीक है समझ में आई चीज तो अब इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो और अब मैं वैल्यूज इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगा तो जब मैं इसमें पहली वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो परफेक्टली इंसर्ट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगा परफेक्टली इंसर्ट हो जाएगी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा इसको मैं रन करूंगा तो देखिए क्या हुआ आपकी वन और ए बी सी इंसर्ट हो चुकी है परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं आई राइट बट जब मैंने इसको दूसरी लाइन रन करी तो क्या हुआ देखो जब मैंने दूसरी लाइन रन करी तो उसमें आगे एरर और क्या एरर आगे कॉलम वन कैन नॉट बी नल कॉलम वन में नल वैल्यूज आप नहीं डाल सकते तो कैसे डालने की कोशिश कर रहे हो ठीक है मतलब आपने जो नल कंस्टेंट जो आप डिफाइन करते समय बनाते हो आपने अब बना दिया ओके इसको देख लेते हैं इसके लिए क्या है सिचुएशन इसको अगर मैं रन करूँ देन वॉट विल हैपन तो यहां पर भी दिक्कत क्या कॉलम टू कैन नॉट बी नल कॉलम टू में भी नॉट नल का कंस्टेंट आ चुका है ठीक है और जब मैं इसको रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन अब दोनों ही नल हैं तो वो तो अलाउड है ही नहीं तो कॉलम वन कैन नॉट बी नल तो पहले पे ही रिस्ट्रिक्शन आ गई तो पहले पे रोक देगा कि कॉलम वन नल नहीं हो सकता आपने नल डाल दिया है तो दोनों ही आपने नल डाल दिया दैट इज नॉट अलाउड दैट इज नॉट गन वर्क तो ये चीज़ है ये सिचुएशन है जो है रहती है राइट तो इस तरीके से आप नल वैल्यूज हैंडल कर सकते हो अब बेसिकली हम जो तो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं जैसे अभी हमने क्या कहा अभी हमने ये कहा कि यार हमारा टेबल एम था तब हमने ये ऑल्टरेशन का काम कर दिया मतलब कॉलम वन को भी नल बना लिया कॉलम टू को भी नल बना लिया कब किया जब ऑलरेडी टेबल मेरा मतलब एम्प्टी था ठीक है बट अब क्या है मेरे टेबल में वैल्यूज हैं कैसी वैल्यूज है देखिए अगर आप मेरे देखो तो टेबल में वैल्यूज है मेरे अब मैं क्या करना चाहता हूं मैं बेसिकली अब ये करूंगा कि मैं इस इंस्टेंस को फिर से डिलीट मार दूंगा ठीक है मैं इस इंस्टेंस को फिर से डिलीट मार दूंगा और बेसिकली आपको मैं अब ये दिखाना चाहता हूँ कि अब सपोज मैं क्रिएट करूंगा वार्ग बेंस को पूरा टेबल क्रिएट करूंगा और इसमें वैल्यूज भी इंसर्ट कर दूंगा नल वैल्यूज ठीक है और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देन सी वट विल हैपन तो मेरे पास ओके डिस्क्राइब भी रन हो चुका है एक्चुअली बीच में डिस्क्राइब होगा हाँ ये डिस्क्राइबर हो चुका है इस चक्कर में हुआ ऐसा बट ये टेबल परफेक्टली क्रिएट हो गई होगी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको ओपन करके दिखाऊं तो देखो वन ए बी सी है नल ए बी डी है टू नल है नल, नल, है. नल वैल्यूज इंसर्टेड है अब मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ यार मेरे पास नल वैल्यूज है इसके अंदर

वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आप नॉट एनल का कॉन्स्टेंट कैसे डाल सकते हो राइट right? वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी चलती है यहाँ देखो अगर आप यहाँ पर रन करूँ मैं यहाँ पर भी देखो वही है इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू आप जो नल कंस्टेंट का यूज कर रहे हो वो इनवैलिड है वॉट इज द रीजन फॉर दैट सिंपल रीजन इज कि उस पर्टिकुलर टेबल में जो आपने टेबल क्रिएट करा है उसमें ऑलरेडी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो नल है अब क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, जो नल है तो उसमें जब आप ये नल नॉट नल कंस्टेंट डालने की कोशिश करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा क्लियर सो दैट इज द सिचुएशन ओके वेल एंड गुड मतलब आप टेबल में अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन यह है कि टेबल में नल वैल्यूज नहीं हो सकती नल वैल्यूज अगर हैं आप उसमें नॉट नल का कंस्टेंट डालोगे तो वो अलाउड नहीं करेगा वो इनवैलिड ऑपरेशन दिखा देगा आप गलत तरीके से डालने की कोशिश कर रहे हैं बढ़िया वॉट इफ अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दो टेबल मतलब एक टेबल बनाऊँ जिसमें ऑलरेडी डेटा है बट डेटा क्या है नल नहीं है डेटा है बट नल नहीं है तो क्या वो आपको कंस्टेंट डालने की मतलब इजाजत देगा तो वो देखते हैं तो अगेन वही मैं फिर से इस स्कीमा को ड्रॉप कर दूंगा ठीक है और मैं बस क्या करूँगा अब इस टेबल को यहाँ तक क्रिएट करूँगा है ना टेबल वापस से मैंने क्रिएट कर दिया टेबल क्रिएट हो गया है मेरा अगर आप देखो तो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है ठीक है और मैं क्या करूँगा बस इसमें इंसर्ट कर दूँगा वैल्यूज़ को तो पहली वाली इंसर्ट कर लूंगा सॉरी वाई आई हैव कॉपी दैट नो मुझे सीधे रन करना है तो मेरा इसमें डेटा आ गया है ना अगर आप देखो तो डेटा आ गया अब क्योंकि वो यूनिक भी है तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा है ना तो अच्छा सही भी पेस्ट कर लिया मैंने है ना इसको मैं टू कर दूंगा और इसको मैं सी बी ए कर दूंगा सी बी ए और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा अब अगर आप नोटिस करो तो मेरे क्या है मेरे ही मेरे आ, टेबल तो क्रिएटेड है परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं है परफेक्टली टेबल क्रिएटेड है इसमें दो वैल्यूज भी इंसर्टेड है ठीक है इसमें दो वैल्यूज भी इंसर्टेड है दो वैल्यूज भी है वन ए बी सी और टू सी बी ए अब अगर मैं इसमें नॉट एन का कंस्टेंट डालने की कोशिश करूं तो मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या सिचुएशन होने वाली क्या ये उस नॉट एन के कंसटेंट को डाल देगा या नहीं डालेगा अगर आप इसको रन करो तो सी वॉट हैपन अब इसने वो जो नॉट एनल का कॉन्स्टेंट है वो परफेक्टली डाल दिया है क्या कर दिया है परफेक्टली वो नॉट अनल का कंस्टेंट इसने डाल दिया है जब मैं सेकेंड रन करूँगा तब भी क्या देखो तब भी इसने नॉट नल का कंस्टेंट परफेक्टली डाल दिया और अब मैं अगर डिस्क्राइब टेबल वन रन कर दूं तो मुझे दोनों में ही नल वैल्यूज अलाउड नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपने इसमें नल वैल्यू थी ही नहीं और अगर अब आप इसमें नल वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश करोगे जो मेरे पास कुछ है जैसे कि ये वाली हो गई है ना अगर मैं इसको रन करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे दे देगा देगा कॉलम वन कैन नॉट नल सेकेंड देख लो सेकंड में अगर मैंने इंसर्ट करने की कोशिश करी तो वहां पर भी फिर से कॉलम टू कैन नॉट बी नल और अगर मैंने थर्ड वाली इंसर्ट करने की कोशिश करी तब भी वही आ जाएगा कॉलम वन कैन नॉट बी नल मतलब सिंपल सा कंक्लूजन भाई क्या कि अगर डेटा सॉरी अगर आपकी टेबल एम है मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर तो आप आंख बंद करके नॉट नल कंसेंट डाल सकते हो परफेक्टली डल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके वेल एंड गुड अगर मैं ये कहूं कि ऑलरेडी अगर उसमें सपोज नल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं फिर वो कॉन्स्टेंट डाल सकते हैं हम नॉट नल का आंसर इज नो अगर ऑलरेडी पर्टिकुलर किसी टेबल में नल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें आप नॉट नल का कंस्टेंट नहीं डाल सकते वो प्रोहिबिटेड है आपको एरर मिल जाएगा जो आपको ऊपर देखने को मिला है यहां पे इन यूज ऑफ नल वैल्यूज एरर कोड है वन ठीक है बट अगर सपोज इसी के बीच की वैल्यू हम ले कि लेटा एम टी भी नहीं है मतलब हमारी टेबल एम भी नहीं है और उसमें नल वैल्यूज भी नहीं है मतलब डेटा है मेरी टेबल में डेटा है बट नल नहीं है है ना तो क्या इंसर्शन अलाउड है या फिर नॉट नल कंसर्ट अलाउड है तो वो हमने देख लिया ये yes, वो अलाउड है अच्छा वट अबाउट पार्शल थिंग्स मतलब अगर मैं सपोज एक टेबल ऐसी बना लूं जिसमें अगेन डेटा uh, होगा बट डेटा कैसा होगा डेटा ऐसा होगा कि आपका एक कॉलम रहेगा जिसमें नल है एक कॉलम रहेगा जिसमें नल नहीं है तो किस पे अलाउड होगा किस में नहीं होगा वो और एक बार देख लेते हैं तो अगेन मैं फिर से क्या करूँगा फिर से इस स्कीमा को ड्रॉप करूँगा मैं है ना फिर से मैं वही टेबल क्रिएशन करूंगा है ना फिर से मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा तो टेबल क्रिएशन करी मैंने परफेक्टली टेबल क्रिएट हो चुकी है मेरी अब मैं क्या करूँगा इनिशियल मैंने डिस्क्राइब भी करके दिखाता हूँ मैं आपको जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो इसमें देखो नल वैल्यूज अलाउड है इसमें भी नल वैल्यूज अलाउड है ठीक है अब मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ और ये भी देखो आपकी कॉलम टू में यूनिक की डली हुई है प्राइम अभी भी ये वो नहीं है अभी भी ये प्राइमरी की नहीं बनी ये यूनिक डली हुई है क्योंकि इसमें जो है आपने नॉट नल का कॉन्सेंट नहीं डाला है अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मैं इसमें ये दो इंसर्ट तो कर ही दूंगा वैल्यूज़ ठीक है जो परफेक्टली चलेंगे अब इनमें क्या है खासियत कि जब मैंने ये दोनों एग्जीक्यूट करे तो सिचुएशन ये हो गई कि अब आपके टेबल में जो कंटेंट है जो टेबल में कंटेंट है वो नॉट नल नहीं है सॉरी नल नहीं है नॉट नल कंस्टेंट डेटा है बट अगर मैं इसमें थर्ड लाइन रन कर दूं तो जिसमें पहली जो कॉलम है वो क्या है वो नल है अब ये भी परफेक्टली इंसर्ट हो गया क्योंकि दिक्कत थोड़ी आएगी वो तो अभी तो कंस्टेंट डाला ही नहीं है तो अब जब मैं इसको रन करूंगा ओके okay, सॉरी इसको मैं रिफ्रेश करके जब मैं रन करूंगा रिफ्रेश करके जब मैं इसको रन करूँगा वन ए बी सी टू सी बी ए और नल का मिल गया ए बी डी अब पहले पे नल है ठीक है पहले कॉलम में नल है दूसरे कॉलम में नल नहीं है क्या ये अभी भी मुझे अलाउ कर देगा कि मैं इसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट डाल सकता हूँ तो देखते हैं टेबल वन में डाल के देख सॉरी कॉलम वन में डाल के देखते हैं तो कॉलम वन में नल वैल्यू है तो इसने मुझे दिखा दिया इन वैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू आप इसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं डाल सकते ठीक है और अगर मैं अभी फिलहाल चेक करूं टेबल वन का डिस्क्रिप्शन तो देखो क्या मिलेगा कि इसमें नल वैल्यूज अभी भी अलाउड है इसमें नल वैल्यूज अभी भी अलाउड है और ये यूनिक है है ना यूनिक इसमें डला हुआ है जैसे मैंने रन किया तो इसमें अलाउड हो गया इसमें अलाउड हो गया कॉलम वन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया बट कॉलम टू में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया क्यों नहीं किया भाई इसने तो बहुत सिंपल सा रीजन है इसका कि इसमें जब आप देखो ओके okay, ओके आई थिंक सो देर इज़ सम प्रॉब्लम कुछ गड़बड़ कर दी हमने ओके, okay, एक बार ज़रा फिर से करके देखते हैं आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम हो गई ठीक है तो मैं बेसिकली चाह रहा हूँ मैं इसको ड्रॉप कर दिया मैंने है ना? और मैंने क्या किया इस टेबल को क्रिएट कर दिया ठीक है ये परफेक्टली क्रिएट हो गया है ना और जब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मेरी टेबल क्रिएटेड है परफेक्टली है ना कोई दिक्कत नहीं है ओके अब मैं क्या करता हूँ इसमें इंसर्ट कर देता हूँ पहली तीन वैल्यूज़ ठीक है पहली तीन ही चाहिए मुझे है ना ये परफेक्टली रन हो गया कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको बंद कर दूंगा इसको रिफ़्रेश करूंगा इसको फिर से रन कर दूंगा तो मुझे यही चाहिए वन ए बी सी टू सी बी ए और ये नल हो गया ठीक है परफेक्टली ऑल राइट कोई दिक्कत नहीं है अब बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि अब जब मैंने इसमें डिस्क्राइब रन किया तो डिस्क्राइब मुझे क्या देखने को मिला ये नल नहीं है ये यूनिक है कॉलम टू परफेक्टली ऑल राइट ठीक है जब मैंने इसको फिर से रन किया तो वही सिचुएशन आ गई है ना वन ए बी सी टू सी बी ए और नल ला आ गया लास्ट वाले में अब बेसिकली अब मैंने क्या किया इसमें मैंने ये नॉट नॉटर्नल कंसेंट इसमें डाला तो जब मैंने नॉट टर्नल कंसेंट डाला तो दिस इज नॉट अलाउड दिस इज़ इनवैलिड दिखा दिया इसने बट अब जब मैं इसमें नेक्स्ट डालूंगा ये देन सी वॉट विल हैपन तो ये इसने परफेक्टली अलाउ कर दिया है और अब जब मैं इसको रन करके देखूंगा देन वॉट विल हैपन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने ओके uh, okay, कोई प्रॉब्लम नहीं उसने रीअरेंज कर दिया बस मतलब मैंने कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा लेकर नहीं मैंने इस नल से मैंने ध्यान नहीं दिया सॉरी मा मिस्टेक तो एक्चुअली सिचुएशन ये उसने कुछ नहीं किया इस नल वाली वाली को बस ऊपर ले गया है ठीक है और ये नल वाली वाली को ऊपर ले गया है और टू इंच आ गया बस दैट इज द सिचुएशन डेटा तो हमारा वही तीन है ना वही चीज़ है ठीक है बट हाँ अगर आप देखो तो कॉलम टू में परफेक्टली आपने नल वैल्यूज इंसर्ट कर दी है अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूँ तो देखिएगा डिस्क्राइब करने पर क्या हो रहा है जब मैं टेबल वन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ सिचुएशन so ये है कि अब कॉलम वन आपका नल ले सकता है बट कॉलम टू नल वैल्यू नहीं ले सकता है और अब वो आपकी यूनिक की प्राइमरी की बन चुकी है रीजन बीइंग क्योंकि नॉट नल भी है और यूनिक भी है तो इसी वजह से क्या बन चुकी है प्राइमरी की बन चुकी है नल वैल्यू ये ले सकता है समझ में आया तो दैट इज द सिचुएशन और अब मैं अगर इसमें ये वाली वाली इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा विच इज दिस वन जिसमें नेक्स्ट पार्ट में नल है तो इसमें आपको मिल जाएगा क्या एरर और देखो एरर क्या है कॉलम टू कैन नॉट बी नल ठीक है सेम गोज फॉर दिस एज वेल कि जब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तब भी आपको क्या मिल जाएगा कि कॉलम टू कैन नॉट बी नल कॉलम टू नल नहीं हो सकता कॉलम वन हो सकता है कॉलम टू नहीं हो सकता इससे पहले अभी तक आपको कॉलम वन में आता था एरर कि कॉलम वन नहीं हो सकता जब आप दोनों में नल डालते थे तो कॉलम वन नल नहीं हो सकता था क्योंकि सबसे पहले उसी में एरर आता था वही शो हो जाता था बट अभी फिलहाल क्या है क्योंकि आप दो नल वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो पहली अलाउड है तो वो उसको डाल दे रहा है बट जो सेकंड है वो अलाउड नहीं है तो आपको एरर मिल जाएगा कॉलम टू कैन नॉट बी नल तो अगर मैं सिंपल सा कंक्लूजन करूं तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है भाई कि अगर आपका टेबल खाली है आप नॉट नॉर्टनल कंस्टेंट डाल सकते हो अगर टेबल में आ, डेटा है बट कोई भी आ, कहीं पर भी नॉट नल नहीं है आप किसी भी कॉलम में नॉट नल कंस्टेंट डाल सकते हो मतलब अगर किसी भी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है तो नॉट नल कंस्टेंट आप किसी भी कॉलम में डाल सकते हो अगर आपका टेबल भरा हुआ है बट उसमें हर कॉलम में नल वैल्यूज है तो किसी भी कॉलम में आप नॉट नल कंस्टेंट नहीं डाल सकते बट अगर आपका टेबल में डेटा भरा हुआ है और किसी कॉलम में नल है और कुछ कॉलम्स में नल

ठीक है तो ये था यार आपका नॉर्टमल वाला कंस्टेंट अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बची हैं मॉडिफाइंग कॉलम मतलब ऑल्टर टेबल में मॉडिफाइंग कॉलम से रिलेटेड और चीजें बची हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी ठीक है फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड ऑल ये वीडियो भी अभी खत्म नहीं हुई है चलते अपने स्लाइड पर और वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए अच्छा उससे पहले जरा इसको क्लोज तो कर दें सेव तो कर दें तो जरा इसको सेव कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम कॉलम मॉडिफिकेशन ठीक है और हम कर क्या रहे हैं बेसिकली तो डिफॉल्ट सॉरी नॉट डिफॉल्ट नॉट नल टू एन ऑलरेडी एक्सिस्टिंग टेबल ठीक है बहुत बड़ा छोटा मतलब लंबा छोटा सा नाम हो गया बट ठीक हुए बात नहीं है ना तो अब मैं इसको कर दूंगा सेव इसको कर दूंगा बंद इसको कर दूंगा बंद ये भी बंद सर्विस पे चल के अपना सर्वर कर दूंगा क्लोज ठीक है माएस इक्वल का सर्वर कर दूंगा मैं क्लोज राइट चले तो ये हो गया आपका नॉट मिल वाला कंस्टेंट तो वीडियो को करते हैं फटाफट फिनिश तो चलते हैं अपने स्लाइड पर वीडियो करते हैं फिनिश नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा ठीक है चलिए

स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक कर सकते हो उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन की मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल दो यहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ आपको मैग्रेट में सारा कंटेंट मिल जाएगा वेदर इट बी एन टलम्पियाड सीबी एस सी बोर्ड स्टेट बोर्ड एनसीआर बुक या किसी भी फेमस मॉर्थर की बात करें